तो हेलो गाइज, हम आ चुके फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें गाइज आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, फिर भी गाइज मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हमारी जो टीम्स होती है टूर्नामेंट्स की, वो अपनी परमानेंट ड्रॉप लोकेशन क्यों बनाती है, उसके साथ अगर परमानेंट ड्रॉप लोकेशन नहीं होती तो क्या होता, और उसी के साथ गाइज हम बात करने वाले हमारे परमानेंट ड्रॉप लोकेशन के एडवांटेज क्या है, उसके साथ डिसएडवांटेज क्या है। और गाइज ये थोड़ा टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन गाइज मैंने सोचा इसके ऊपर भी वीडियो बना दूं। वैसे तो इस किसी बुक में नहीं लिखा कि परमानेंट ड्रॉप लोकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज और क्यों परमानेंट लोकेशन बनानी है, ऐसा कुछ किधर बुक में लिख के नहीं रखा, लेकिन गाइज जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मेरे को जितना पता है, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में से बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वीडियो को एंड तक देखना और इसका आपको आगे फायदा भी हो सकता है, और गाइज आप इस वीडियो को एज अ नॉलेज भी ले सकते हो। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो परमानेंट ड्रॉप लोकेशन का आइडिया है ये किसने लाया, मतलब अपने फ्री फायर के अंदर टूर्नामेंट्स के अंदर, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन गाइज जिसने भी लाया बहुत अच्छा काम किया। देखो गाइज हमारी इंडियन टीम्स तो दूसरे कंट्री के टीम्स को देख कर ही मेरे को पता है उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट तो अपने दूसरे कंट्री से स्टार्ट हो गया था ये टूर्नामेंट का परमानेंट ड्रॉप लोकेशन का। मतलब गाइज जो इंडियन प्लेयर्स है अपने स्पोर्ट के, उन्होंने दूसरे कंट्री के प्लेयर्स को टीम्स को देखकर ये ड्रॉप लोकेशन का आइडिया इंडिया के अंदर लाया होगा, उनको देख देख के स्पोर्ट प्लेयर को बाकी के बंदे ने भी ऐसा ही स्टार्ट कर दिया होगा, और जैसे स्पोर्ट ग्रोथ हुआ और ये परमानेंट ड्रॉप लोकेशन अब स्पोर्ट के अंदर सबसे मेन चीज है, अगर ये ना हो तो स्पोर्ट के अंदर सब मेटा चेंज हो जाता है। तो गाइज परमानेंट ड्रॉप लोकेशन की वजह से बहुत सारे गेम्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, टूर्नामेंट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उसी के साथ गाइज अपने टूर्नामेंट्स के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी परमानेंट ड्रॉप लोकेशन की वजह से ही हो जाती है, और वो कैसे कॉन्ट्रोवर्सी होती है मैं आपको वो वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं अपनी परमानेंट ड्रॉप लोकेशन क्यों होती है, और कौन सी भी बड़ी स्पोर्ट टीम की एक परमानेंट ड्रॉप लोकेशन हमेशा फिक्स रहती है, वो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज सबसे पहले मेन चीज आपको समझा देता हूँ, देखो एक टीम है, कौन सी भी एग्जाम्पल के लिए पकड़ के रखो, उस टीम के अंदर अच्छे अच्छे प्लेयर से अच्छी टीम है, तगड़ा लेवल का परफॉर्मेंस देती है, और वैसी टीम्स गाइस क्या करती है अपने टूर्नामेंट्स के अंदर, देखो अपनी परमानेंट ड्रॉप लोकेशन मतलब एक परमानेंट प्लेस बना लेती है उतरने का। क्यों गाइस? क्योंकि गाइस वो टीम सोचती है कि हमारे एक परमानेंट ड्रॉप लोकेशन होना चाहिए जिधर हम हमेशा उतरे और हम उस प्लेस का सब चीजें जान ले, और डेली हम उधर ही उतरेंगे सब चीजें जान के, इस प्लेस का हम किंग बन जाएंगे, मतलब किंग मतलब उस प्लेस की सब चीजें जान लेंगे अच्छे से, और आप ही देखो ना अगर आप कौन सी एक चीज करते हो डेली तो उसमें आप माहिर बन जाते हो, ठीक है। और वैसे ही अगर एक टीम अपने हर दिन एक ही प्लेस पे उतरेंगी तो उस प्लेस के बारे में सब उनको पता चल जाएगा, इस घर में रश कैसे करना है, इधर कोई उतरा तो उनको कैसे मारना है, सब चीजें उनको पता चल जाती है, और गाइस उस प्लेस के बारे में वो ये भी जानते हैं भाई इधर कितनी लूट मिलने वाली है, कौन से प्लेयर को कहाँ उतरना है और कितने एरिया में लूट करनी है, वो सब चीजें वो पहले से डिसाइड करके रखते हैं। और गाइस उसका फायदा उनको ये होता है कि अगर आपके परमानेंट एक ड्रॉप लोकेशन उधर कोई दूसरी टीम्स आती है तो उसको आप आसानी से मार सकते हो, बहुत ज़्यादा 90% आप उस टीम को मार सकते हो बहुत आसानी से, और वो क्यों, क्योंकि गाइज आपने उधर पहले से प्रैक्टिस करके रखा है, तो उस वजह से आपको उस चीज़ का फायदा होता है। और गाइज इन सब चीज़ों की वजह से हर टीम अपना एक परमानेंट ड्रॉप लोकेशन बना देती है और उस प्लेस के बारे में सब डिटेल्स अपने पास रखती है। और गाइज परमानेंट ड्रॉप लोकेशन के बस इतने प्रॉफिट्स नहीं होते, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। सबसे गाइज मेन प्रॉफिट एक होता है, वो होता है क्लैश लैंडिंग्स 90% कम हो जाती है। क्यों गाइज मैं आपको बता देता हूँ, देखो गाइस क्या होता है, अगर आप हर टूर्नामेंट में एक ही ड्रॉप लोकेशन पे उतर के खेलते हो तो सभी टीमें आपको जान लेंगी भाई हाँ ये इसी ड्रॉप लोकेशन पे ये टीम उतरते, इधर हमको नहीं उतरना, और टीमें उतरती भी नहीं है। क्यों गाइस? देखो कोई बड़े लेवल का टूर्नामेंट होता है तो दूसरी टीम भी ये सोचती भाई इनके साथ क्लैश लैंडिंग लेंगे तो वो तो मर जाएंगे, नहीं तो हम तो मर जाएंगे, तो उस वजह से वो सोचती भाई हमको ये बड़ा टूर्नामेंट गंवाना नहीं है तो इनके साथ हम क्लैश लैंडिंग नहीं लेंगे, हम भी हमारा खुद का परमानेंट ड्रॉप लोकेशन बना लेंगे। तो गाइस वैसे ही सभी टीम्स अपनी अपनी परमानेंट ड्रॉप लोकेशन बना लेती है, और गाइस आप आज देखते हो फ्री फायर ई स्पोर्ट में सभी टीम्स की अपनी अपनी परमानेंट ड्रॉप लोकेशन है। और गाइस परमानेंट ड्रॉप लोकेशन का और एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होता है, वो होता है रोटेशन लेने के लिए बहुत बड़ी आसानी होती है, क्योंकि गाइस अगर आप डेली एक जगह पे उतरते हो तो उधर आपको पता है इस साइड जोन गया तो किधर से रोटेशन लेना, इस साइड जोन गया तो किधर से रोटेशन लेना है,
मतलब ये सब चीजें भी बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। और गाइस परमानेंट ड्रॉप लोकेशन की वजह से आज टूर्नामेंट इतने इंटेंस होते। अगर गाइस आप ही सोचो परमानेंट ड्रॉप लोकेशन ना होती तो सभी टीम्स भाई किधर भी उधर जाती, एक मैच में इधर तो एक मैच में उधर, और उस वजह से टूर्नामेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता। फर्स्ट फर्स्ट जोन में ही बंदे बहुत सारे मर जाते और क्लैश लैंडिंग तो आपको मतलब देखते देखते आप फर्स्ट में ही थक जाते और मतलब मैच में इतना मजा नहीं रहता और बंदे भी इतना जिंदा नहीं रहते। फर्स्ट फर्स्ट में क्लैश लैंडिंग्स होंगी तो बंदे भी ज़्यादा मरेंगे तो मैच देखने में मजा नहीं आएगा। लेकिन अब गाइज आप देखते हो अपने परमानेंट ड्रॉप लोकेशन की वजह से ज़्यादा क्लैश लैंडिंग फर्स्ट में नहीं होते और लास्ट के जोन में भी आपको 25-30 तक बंदे देखने को मिलते हैं, आपको भी पता है। और गाइज ये सब तो मैंने आपको एडवांटेज बता दिए, तो डिसएडवांटेज भी होते हैं लेकिन डिसएडवांटेज इतने नहीं होते जितने एडवांटेज होते। डिसएडवांटेज दो तीन ही है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होता है गाइज, अगर देखो आप किसी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो और आपके अच्छे खासे पॉइंट चल रहे और जो सेकंड नंबर की टीम है आपके नीचे वाली वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है लेकिन आपके बीच में 2-4-5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो गाइज वो टीम क्या करेंगी सेकेंड नंबर की, उनको तो पता होगा आप कहाँ पे उतरते, कौन से ड्रॉप लोकेशन पे उतरते हो, वो सीधा आपको आके टारगेट भी कर सकती है, बहुत बार ऐसा होता भी है। तो गाइज ये होता है एक डिसएडवांटेज ठीक है। मतलब गाइज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमानेंट ड्रॉप लोकेशन का डिसएडवांटेज होता है वो होता है टारगेट, आपको टीमें टारगेट कर सकती है परमानेंट ड्रॉप लोकेशन की वजह से। तो गाइज इससे दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, वैसे तो आप डिसएडवांटेज इसको नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी आप जो भी बोलो इसको मैं आपको बता देता हूँ। गाइज जो परमानेंट ड्रॉप लोकेशन की वजह से जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो होती है अंडरडॉग टीम्स के लिए। तो गाइज देखो अपनी नई टीम से उन्होंने तो अपनी अपनी ड्रॉप लोकेशन बना दी है ठीक है, और जो अब नई टीम्स आएंगी अंडरडॉग टीम्स आएंगी उनकी भी कुछ ड्रॉप लोकेशन फिक्स होंगी, उन्होंने भी कौन से तो प्लेस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस की होंगी। और गाइज अगर वो टूर्नामेंट में आते हैं बड़े लेवल पे और वो टूर्नामेंट खेलते हैं कोई बड़ा लेवल का, उधर उनके ड्रॉप लोकेशन पे ऑलरेडी कोई बड़ी टीम उतरती है तो उनको तो उनका प्लेस चेंज करना पड़ेगा। और देखो गाइज अगर अंडरडॉग टीम है तो उनको ज्यादा चांस नहीं मिलते, अगर वो ऑफिशियल कौन से बड़े लेवल के टूर्नामेंट में खेल रहे और उनके प्लेस पे अगर वो अंडरडॉग टीम के प्लेस पे कोई पहले से बड़ी लेवल की टीम उतरती है तो उनके साथ वो क्लैश लैंडिंग नहीं लेते बैठेंगे, उनको प्लेस चेंज करना पड़ेगा उनका। क्यों? देखो गाइज अंडरडॉग टीम क्या सोचेंगे, भाई हमको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, हमारे पास एक ही चांस है और उस चांस को हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया और हम क्लैश लैंडिंग ही करते बैठे तो हम तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। मतलब गाइस सिंपल सी बात है, अंडरडॉग टीम यही सोचेंगे भाई हम क्लैश लैंडिंग लेंगे तो ये बड़ी टीम्स हमको मार देंगे, नहीं तो हम उनको मार देंगे और उसकी वजह से हमारे भी मैचेस खराब होंगे या सामने वाली टीम्स के भी मैचेस खराब हो सकते हैं। और गाइस समझो किसी अंडरडॉग टीम ने क्लैश लैंडिंग भी लेते बैठी हो बड़ी टीम के साथ तो उनका क्या होगा, देखो उधर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होंगे जाएंगी, जो बड़ी टीम्स के फैंस होंगे वो जो छोटी टीम है अंडरडॉग टीम से उनको बोलेंगे भाई तू हमारी टीम को टारगेट कर रही थी, फिर उन पे जो अंडरडॉग टीम है उन पे जो बड़ी टीम के फैन है वो गुस्सा हो जाएंगे है ना, तो ये सब चीज़ें भी होती है। और जो बड़ी टीम है वो क्या सोचेंगी, यार ये टीम हमको टारगेट कर रही है, फिर ये भी उनको मारने लगेंगे, ये सब चीज़ें होती रहेंगी हर मैच में तो दोनों टीम्स के परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएंगे, ये भी गाइज एक डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन गाइज मेरी ओपिनियन से बताओ तो गाइज हर टीम को एक स्पोर्ट टीम को एक परमानेंट ड्रॉप लोकेशन बनानी चाहिए क्योंकि उधर का एक्सपीरियंस एक ड्रॉप लोकेशन का परमानेंट प्लेस का एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आता है और उसको यूज करना स्पोर्ट में बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। और गाइज जितने भी स्पोर्ट प्लेयर्स है उनसे मैं यही कहना चाहूंगा आप भी अपना एक परमानेंट ड्रॉप लोकेशन बना लो क्योंकि डिसएडवांटेज में हर चीज में होता है, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसमें आपको 10 हेटर्स मिलने वाले हैं लेकिन उससे ज्यादा आपको 100 अच्छे बंदे मिलने वाले हैं जो आपके तारीफ करने वाले। तो गाइज मैं यही कहना चाहूंगा कभी भी अच्छी चीज के बारे में सोचो, बुरी चीज के बारे में ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट मत हो, अच्छी चीज पे कॉन्सेंट्रेट हो उसका आपको फायदा ही होगा। तो गाइज ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ आप भी एक अच्छा ड्रॉप लोकेशन बना लो, डिसएडवांटेज की तरफ मत देखो, एडवांटेज की तरफ देखो क्योंकि एडवांटेज ज्यादा है ठीक है। तो गाइज अब देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को 10 बंदे गाली देंगे तो 10 उससे ज्यादा मतलब 100 बंदे मेरे को अच्छा बोलेंगे, तो ये सब सीन होता है। तो गाइज मैं और एक इससे रिलेटेड आपको चीज पूछना चाहता हूँ, मैं एक और वीडियो बनाऊ क्या इससे रिलेटेड, मतलब ड्रॉप लोकेशन अपनी टीम के कैसे चूज करें इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ क्या कमेंट में बताओ, और गाइज मेरे को पता भी चल जाएगा भाई इधर तक वीडियो किसने देखा है, नहीं तो बहुत सारे बंदे आधे में वीडियो छोड़ देंगे मेरे को पता है। और गाइज मैं आपको बोल दूं अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर कर देना यार, फ्री में होता है ना लाइक करना तो कर दो। तो चलो गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, उसके लिए सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है गाइज, बाय बाय।